फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में देखना होगा। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे लिस्ट में अपना नाम जोड़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना नाम लिस्ट में, आयुष्मान कार्ड लिस्ट में जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे आप कैसे जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल प्रेस कर ले ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल या लैपटॉप का यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर देना है PMJAY.gov.in। आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो फिर आपको सर्च करने में कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। फिर आपको यहाँ पर तीर का निशान दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है डेस्कटॉप साइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट करने फिर आपको ऐसा इंटरफेस जो होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना लिस्ट में नाम देखने के लिए आपको यहाँ पर मेनू दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा पोर्टल, पोर्टल के नीचे फिर आयुष्मान मित्रा, उसके नीचे दिखाई पड़ रहा बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 20, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर फिर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, ये थोड़ा स्लो चलता है वेबसाइट। तो फ्रेंड, क्लिक करने पर फिर आपको ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा मेरा PMJAY, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर फिर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। क्लिक करने फिर आपको ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। फिर आपको यहाँ बोल रहा है मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको कैप्चा डालने के बाद फिर आपको ये जनरेट OTP पे क्लिक कर देना। चलिए हमें मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हम भर चुके, फिर आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1-time password OTP हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर डाले उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर 6 अंक आएगा, यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो फिर OTP डाल चुके, फिर आपको यहाँ पर कंसेंट दे देना, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने फिर आपको फिर ऐसा एक इंटरफेस होगा। फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है सर्च करने के लिए, आपको यहाँ पर सर्च सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जितना भी भारत का स्टेट यहाँ पर शो हो जाएगा, आप जो भी स्टेट से वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या चीज़ से आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर सर्च बाय नाम, सर्च बाय HHD नंबर, यहाँ पर सर्च बाय राशन कार्ड नंबर, सर्च बाय मोबाइल नंबर। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं, तो मोबाइल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने फिर आपको यहाँ बोल देगा अपना मोबाइल नंबर जो यहाँ पर डालने के लिए बोलेगा, तब जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए होंगे अगर बनाए होंगे कभी तो एक नंबर यहाँ पर डाल दें। चलिए हम यहाँ डाल देते हैं। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है खोजे पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगा। तो फिर अगर इसमें आपका यहाँ पर नाम है ठीक है नहीं है तो आप कैसे यहाँ पर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे तो बताएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर देख लेना, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको यहाँ पर छोड़ देना, फिर आपको यहाँ पर बैक हो जाना है, लॉग आउट कर देना आपको यहाँ पर। तो फिर आपको यहाँ पर होम पेज पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ग्रीवेंस पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो ग्रीवेंस पोर्टल पे क्लिक करने फिर आपको एक नया पोर्टल पे लेके चलाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर
योर ग्रीवेंस, यहाँ पर ट्रैक योर ग्रीवेंस, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा, यहाँ पर रजिस्टर योर ग्रीवेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है अपना ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर हम PMJY आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको एक यहाँ पर ग्रीवेंस फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर ये भरना होगा। यहाँ पर बोल रहा है ग्रीवेंस बाय बेनिफिशरी, यहाँ पर बोल रहा है केस टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि आपका यहाँ पर PMJY लिस्ट में आपका यहाँ पर नाम जुड़ जाए, तो आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है आर यू इनरोल्ड अंडर ABPMJY, अगर बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास पहले से यहाँ पर आयुष्मान कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना। फिर आपको ओके ओके पर क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पर पूरा बेनिफिशरी डिटेल यहाँ पर बोल रहा है तो अपना नाम पर यहाँ पर डाल देना। फिर आपको जेंडर मेल या फीमेल जो भी है क्लिक कर देना। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर ईयर्स ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अब जो कौन सा स्टेट से वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वॉलेट अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, डालने फिर आपको एक यहाँ पर ईमेल डाल देना है आपको यहाँ पर डालने में। तो फिर आपको यहाँ पर देखा पर आपको ग्रीवेंस डिटेल, उसके नीचे आपको यहाँ पर ग्रीवेंस एजेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपको कहाँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर आपको यहाँ पर यहाँ दे देना है, या आपको यहाँ पर PAMY देना है, जैसे आपको कॉमन सर्विस सेंटर ही दे देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप बोल रहा है नेचर ऑफ ग्रीवेंस, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। यहाँ पर दे देना आपको कार्ड नोट गिवेन टू बेनिफिशरी, ये आपको यहाँ पर सर्च यहाँ दे देना है। देने के बाद फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, तो आपको यहाँ लिख देना है सर मेरा अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, कृपया आयुष्मान कार्ड बनवाने का कष्ट करें और लिस्ट में नाम जोड़ने का कष्ट करिए, आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपको बोल रहा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर बोल रहा है आपको यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड यहाँ आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने फिर आपको यहाँ पर बोल रहा है अपलोड ऑडियो वीडियो, यहाँ पर उसका ऑडियो या वीडियो एक बना लेना आपको यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ पर सपोर्ट में दे देना है, आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने फिर आपको यहाँ पर कंसेंट दे देना है। फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो सबमिट करने फिर आपको यहाँ पर UGN नंबर मिलेगा, उसको लेकर आपको यहाँ पर फीडबैक आ जाना है। फिर आपको ट्रैक क्या करना है देखना, फिर जो आपको UGN नंबर मिला हो फिर आपको उसको लेकर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा ट्रैक योर ग्रीवेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने फिर आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखिए टू नो योर ग्रीवेंस स्टेटस प्लीज इंटर योर UGN नंबर, जो आपको UGN नंबर मिला वो डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, तो यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा, तो आपका भी यहाँ पर लिस्ट में नाम जुड़ जाए, तो आपका यहाँ पर अप्रूवल हो जाता है, तो आपको यहाँ पर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। तो फ्रेंड इसी तरह आप यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भारत लिस्ट में अपना जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।